सोचिए क्या हो अगर दुनिया के सारे बच्चे डीएनए म्यूटेशंस के कारण अजीब अजीब सी पावर्स गेन करने लग जाएं, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं कि चीजों को यहाँ से वहाँ पे उड़ा सके, लोगों के माइंड पे कंट्रोल पा सके और बिजली के झटके दे सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 2018 में रिलीज द डार्केस्ट माइंड मूवी की, जो कि गाइस एक साइफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है आपको ये, लेकिन तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रूबी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ की अचानक से उसकी एक दोस्त की आंखें नीली हो जाती हैं और वो वाइब्रेट होने लग जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। ये एक बीमारी थी जिसको कि साइंटिस्ट ने IEEE नाम दिया था और साइंटिस्ट इसका कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद 90% बच्चे इस बीमारी की चपेट में आकर मर गए थे। फिर जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अपना इंटरव्यू दे रहा था, जहां वो ये बताता है कि उसका बेटा भी इस बीमारी के चपेट में आया है, लेकिन डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो लोगों को हिम्मत देकर उनको कह रहा होता है कि अगर उन्हें कोई भी बच्चा अपने आसपास दिखाई देता है तो वो जल्दी उसे CDC डिपार्टमेंट में भिजवा दे ताकि हम उसका इलाज करवा सके। जहाँ रूबी उन जिंदा बच्चों में से एक थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को हमेशा अपनी बेटी के लिए बहुत ही डर लगा रहता था कि बाकी बच्चों की तरह कहीं वो भी मर ना जाए। और रूबी का आज बर्थडे था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे केयरिंग गिफ्ट करते हैं और वो सोने के लिए चली जाती है। जहाँ रूबी अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और साथ ही वो ये भी जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा टेंस है, तो इसलिए वो रात को उनके रूम में जाती है और वो जाकर अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है। लेकिन गाइस तभी अचानक से उसकी आंखों का कलर ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा कर उनके रूम से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो सुबह अपनी मॉम के पास जाती है तो वो उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती। फिर जहाँ पे उसकी मॉम उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो, और फिर रूबी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उन्हीं की बेटी है, लेकिन उसकी मॉम उसको फिर भी पहचानने से इनकार कर रही होती है और वो CDC डिपार्टमेंट को कॉल करके पुलिस को वहाँ पे बुलवा लेती है। सोल्जर्स आकर रूबी को अपने साथ में कैंप में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो उनसे जेल की कैदी की तरह बर्ताव कर रहे थे और वो एक बच्चे को बहुत पीट रहे थे क्योंकि उसने उनके साथ में बदतमीजी की थी। रूबी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि जो भी सर्वाइवल्स हैं उनको ये बीमारी कुछ और ही बना देती है और उनको हमने फिर कलर के बेसिस पे अलग किया हुआ है। पहले आते हैं ग्रीन, जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले और इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आते हैं ब्लू, जिनके पास की टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज होती हैं। फिर उसके बाद गोल्ड आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने वश में कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक कलर, यानी कि ऑरेंज और रेड, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है। फिर डॉक्टर रूबी की जांच शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे पॉइजन से भरा इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। लेकिन रूबी उसके हाथों को टच करके उसकी आंखों में देखकर उसकी मेमोरी में ये भर देती है कि वो एक ग्रीन है, यानी कि गाइस रूबी दूसरों को मैनिपुलेट कर सकती है और उसके पास ये शक्ति है कि वो दूसरों की मेमोरी से छेड़छाड़ कर सकती है। फिर जहां उसे ग्रीन कपड़े पहना दिए जाते हैं और बाकी सारे बच्चों को भी ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कपड़े पहनाए जाते हैं, और हाँ गाइस कोई भी ऑरेंज और रेड कलर नहीं था क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले ही मार दिया था क्योंकि उन्हें उनसे डर लगता था। फिर रूबी को ग्रीन समझकर वो लोग उससे ऐसे काम करवा रहे थे जिसमें कि दिमाग का काम हो, लेकिन रूबी ठीक से नहीं कर पाती थी। फिर जहाँ एक गार्ड को उसके ऊपर शक होता है और वो उसी बदतमीजी से बात करता है, जहाँ वो सभी बच्चों के ऊपर व्हाइट नॉइस फ्रिक्वेंसी को टेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि सब अपने अपने कलर्स में हैं या नहीं। वो फ्रिक्वेंसी केवल बच्चे ही सुन पाते थे। सो उस फ्रिक्वेंसी से बच्चों को बहुत ही ज्यादा दर्द होता था और रूबी भी वहीं दर्द से गिर जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक डॉक्टर बैगबी को पाती है, जो उसे कंफर्ट कराने की कोशिश कर रही थी। और फिर वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है ये मिलने का समय खत्म हो गया है, जहाँ डॉक्टर भी अपनी फाइल वहीं पे रखकर वहाँ से चली जाती है। रूबी उस फाइल को उठाकर देखती है और उसमें उसके लिए एक नोट था, जहाँ पे डॉक्टर भी ने ये लिखा था कि यहाँ के लोगों को तुम्हारे ऑरेंज होने का पता चल गया है और वो थोड़ी ही देर में तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम्हें बचना है तो फटाफट से बॉयलर रूम में आ जाना। रूबी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बॉयलर रूम जाती है। फिर वहाँ से वो लोग डॉक्टर बी की गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे एक गार्ड रूबी को उसका मास्क हटाने के लिए कहता है, लेकिन रूबी अपनी पावर से उसके माइंड को कंट्रोल करके उससे गेट खुलवा लेती है, जिससे कि दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रूबी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि 6 साल बाद अब उसने बाहर की दुनिया को देखा था, जहाँ पे डॉक्टर भी उसे बताती है कि यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई इकोनॉमी भी नहीं है।
सो इसलिए ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में लोग चले गए हैं। फिर रूबी कहती है कि उसे अपने घर जाना है, जिस पर डॉक्टर बी उसे बताती है कि उसके घर में जाना उसके लिए सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे पुलिस आराम से उसे ढूंढ सकती है। वो उसे कहती है कि वो उसे चिल्ड्रन लीग लेकर जाएगी जहाँ पे उसके जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें की वो लोग कैंपस से छुड़वा कर लेकर आए थे। फिर डॉक्टर बी उसे एक GPS देती है जिसको रूबी अगर दबाएगी तो उसकी लोकेशन उन्हें मिल जाएगी। फिर डॉक्टर बी गैस स्टेशन पे अपने साथी रॉब से मिलती है। रॉब रूबी को देख कर उसे हाथ मिलाता है लेकिन रूबी उसे शक की निगाहों से देखती है क्योंकि रूबी उसे टच करके उसकी अंदर की मेमोरीज को देखने लग जाती है जिसमें कि बच्चे उसे डर के भाग रहे थे और वो बच्चों को जबरदस्ती पकड़ रहा था, जिससे घबरा कर रूबी तुरंत कपड़े चेंज करने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ पे उसे एक जू नाम की छोटी सी बच्ची दिखती है जो कि गोल्डन थी। फिर जहाँ वो उस पर इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करती है लेकिन रूबी बच जाती है। वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, रूबी भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे हेल्प मांगती है, जहाँ पे जू समझ जाती है कि उसे हेल्प चाहिए और वो उसे अपनी कार में छुपा लेती है। कार में रूबी की एज के दो बच्चे और थे जिनका नाम लियाम और चार्ल्स था। फिर रूबी वहाँ पे अपने आप को ग्रीन बताती है और उनसे कहती है कि लीक वाले उसके पीछे पड़े हैं, जहाँ लियाम को लीक से सख्त नफरत थी और वो उसे अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद पे वहाँ पे लीडी जीन आ जाती है जो कि बच्चों को पकड़ने के लिए वहाँ पे आई थी। फिर जहाँ डॉक्टर बी और रॉबी उनके पीछे आ रहे थे क्योंकि उन्होंने रूबी को भागते हुए गाड़ी में देख लिया था। डॉक्टर बी लेडी जैन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऊपर की तरफ फायरिंग करती है, लेकिन गाइस लियाम जो कि ब्लू था इसलिए वो अपनी पावर से लेडी जैन की गाड़ी को जंगल के पानी में गिरा देता है। साथ ही वो डॉक्टर बी की गाड़ी को भी वहीं पे रोक देता है जिससे कि वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर जहां चार्ल्स रूबी को पूछता है कि अगर कोई ग्रीन है तो बाकी लोग उस पे ध्यान नहीं देते, लीक वाले तुम्हें क्यों पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं, जिस पर लियाम चार्ल्स को इस तरह की बातें करने के लिए मना कर देता है। रूबी नाराज होकर अपने घर जाने के लिए कहती है जिस पर लियाम उसे रोक लेता है। साथ ही वो कहता है कि अगर हम सब के ऊपर ट्रैकर्स लगे हुए और अगर हम वहाँ गए तो वो लोग हमें इसलिए पकड़ लेंगे। हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऑरेंज लड़का रहता है जो कि बहुत सारे चिल्ड्रंस को अपने पास सुरक्षित रखता है, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ पे चलना चाहिए, जिस पर रूबी मान जाती है। फिर रास्ते में रूबी उनसे पूछती है कि डॉक्टर बी ने उसे बाहर निकालते जाए बहुत बड़ा रिस्क लिया है और वो कैंपस वालों से भी नफरत करती है तो हम उनसे क्यों भाग रहे हैं, जहां लियाम बताता है कि उसने पहले मुझे भी लीग में ज्वाइन करवाया था और साथ ही मुझे मेरी पावर्स का यूज करना भी सिखाया था और धीरे धीरे उन्होंने मुझे सोल्जर्स बनाना चाहा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, सो इसलिए मैं वहां से भाग गया। वो लोग बच्चों की आर्मी खड़ी करना चाहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर वहीं दूसरी तरफ कैंपस में उस डॉक्टर को जिसने कि रूबी को ग्रीन डिक्लेयर किया था उसे बहुत मारा जाता है और कैबिन में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे मास्क लगाकर एक लड़की आती है और बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देती है। सोते वक्त जू का हार रूबी से टच हो जाता है जिससे कि उन दोनों को सपने में दिखाई देने लगता है वो वाला टाइम जिसमें कि लियाम जू और चार्ल्स कैंपस से भाग रहे थे, लेकिन वहाँ लियाम ने बहुत सारे बच्चों को अपनी पावर से बचाने की कोशिश भी की थी लेकिन स्टिल काफी सारे बच्चे गार्ड की गोलियों से मारे गए थे। फिर नेक्स्ट डे जू अपनी एक रेड कलर की ड्रेस रूबी को पहनने के लिए देती है जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और लियाम भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि इन बच्चों को देख लेता है। लियाम तो काफी ज्यादा डर जाता है अचानक से, लेकिन रूबी अपनी पावर्स का यूज करके उसको चुपचाप वैन में जाकर बैठने के लिए कहती है और जहाँ वो वैसे ही करता है। लियाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके बाद वो लोग भी अपनी वैन में बैठकर जाने लग जाते हैं और वैन में फिर से प्रेसिडेंट के बेटे क्लांसी की रिकॉर्डिंग चल रही थी जहाँ वो कह रहा था कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम सब भी ठीक हो सकते हो। और फिर उसके बाद वो लोग एक मॉल में जाकर रुकते हैं और वहाँ से काफी सारा सामान लेने लग जाते हैं क्योंकि पूरा मॉल खाली था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे अचानक से चार बच्चे आ जाते हैं जो कि उन्हें तंग करने लग जाते हैं, बट जू आकर उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से रोकने लग जाती है और वो उनको वहाँ पे पकड़ लेती है, जहाँ पे वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ट्रैकर्स भी लगे हो सकते हैं तो हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में हम सब लोग भी पकड़े जाएंगे। फिर जहाँ वो आपस में काफी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, फाइनली वो बच्चे एक रात के लिए उन्हें वहाँ पे रुकने देते हैं। फिर वहाँ वो लोग उस ऑरेंज बॉय के बारे में बात करने लग जाते हैं जिसने कि ईस्ट रिवर में बाकी के बच्चों को महफूज रखने के लिए जगह बनाई थी। लियाम उनसे उसका एड्रेस पूछता है लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है और ये हम नहीं बता सकते, लेकिन रूबी वहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके उन बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट करके उनको अपने वश में करके उनसे वो एड्रेस पूछती है जहाँ पर वो लोग सिर्फ एक कोड पर
वर्ड बताते हैं जो कि था EDO। फिर रात के टाइम पे चार्लेस उस कोड वर्ड EDO को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर रूबी भी आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है और चार्लेस उसको बताता है कि मेरे पापा समझ रहे होंगे कि मैं मर चुका हूँ क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो काम की रियलिटी को अच्छे से जानते हैं। फिर वही रूबी भी कहती है कि मेरे पापा को भी ऐसे ही लग रहा होगा क्योंकि वो पुलिस डिटेक्टिव थे। फिर जहाँ पर पुलिस वर्ड सुनकर चार्लेस को याद आ जाता है, जैसे पुलिस एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे बात करती है जिसे किसी वही लोग समझ सकते हैं, सो हो सकता है कि EDO भी इसी तरह का कोई फ्रीक्वेंसी नंबर हो जिसे किसी बच्चे ही समझ पाते हो, जैसे कि व्हाइट नॉइज की फ्रीक्वेंसी को केवल बच्चे ही सुन पाते थे। और गाइस फाइनली वो लोग उस वर्ड को समझ लेते हैं जिसमें कि एक साउंड थी और वो थी कि तुम अगर हमें सुन पा रहे हो तो तुम हम में से एक हो, और अगर तुम हम में से एक हो तो तुम हमें इजिली ढूंढ सकते हो, लेक प्रिंस वर्जीनिया। जहाँ रूबी ये सब को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वर्जीनिया में ही उसके पेरेंट्स रहते थे और वहीं पे उसका घर था, तो वो लोग वर्जीनिया के लिए निकल जाते हैं। फिर जहाँ वो लोग रूबी को उसके घर छोड़ देते हैं, फिर रूबी वही की रिंग लेकर अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है जिनसे कि मिलने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर जैसे उन्होंने मुझे पहले नहीं पहचाना और अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होगा, तो उनसे नहीं मिलती और वो वहां से भागने लग जाती है। रास्ते में उसे लियाम मिलता है और वो उसके साथ में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लोग वहां पे किस करने ही वाले होते हैं लेकिन रूबी पीछे हट जाती है। वहां पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इसलिए वो जाकर अपनी वैन में बैठने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पे लेडी जैन आ जाती है और इन चारों बच्चों को व्हाइट नॉइस फ्रीक्वेंसी गन के जरिए सुनाकर उनको बंदी बना लेती है। लेकिन तभी वहां पे रूबी अपनी पावर्स का यूज करती है और लेडी जैन को अपने वश में कर लेती है और वो उससे कहती है कि तुम इस जंगल के अंदर चले जाओ और चलते ही जाओ, तुम्हें भूख लगे प्यास लगे कुछ भी रीजन हो लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है और तुम्हें चलते ही जाना है। यहाँ पे सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी, यानी कि रूबी ग्रीन नहीं थी वो ऑरेंज है। फिर उसके बाद सब लोग वैन में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ रूबी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम एक ऑरेंज के साथ में हो। फिर जहाँ लियाम कहता है कि नहीं इसमें तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, जहाँ रूबी कहती है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं जिसे भी टच करती हूँ मैं उसकी मेमोरीज को ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने कभी फोकस नहीं किया तो ये सामने वाले बंदे के लिए डेंजरस हो सकता है। फिर जहाँ लियाम को समझ में आ जाता है कि रूबी ने उसे किस क्यों नहीं किया, फिर वो लोग आगे की तरफ पढ़ने लगते हैं जहाँ पे अचानक से कुछ बच्चे सोल्जर की ड्रेस में आ जाते हैं और उन्हें गन पॉइंट पे अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा लियाम को पहचान लेता है। फिर जहाँ लियाम उनसे कहता है कि वो सब बस यहाँ पर सेफली रहना चाहते हैं और वो उनको अपने साथ अपनी जगह पर ले जाते हैं और फिर वो लोग उस ऑरेंज बॉय से मिलते हैं जो कि गाइस कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा क्लांसी था और वो वहाँ पे सबका वेलकम करता है। क्लांसी फिर रूबी से अकेले में बात करता है और उसे मेमोरी अपनी शेयर करता है और उसे बताता है कि उसके पापा ने लोगों से झूठ बोला था कि वो ठीक हो गया है। साथ ही वो अपने बेटे के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे और लेकिन जब भी वो ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत सारे कैंपस बनवाए और बच्चों को वहाँ पे बंद करके रखने लगे क्योंकि वो उनकी पावर से डरने लग गए थे। फिर क्लांसी उसे कहता है कि वो उसको उसकी ऑरेंज पावर को कंट्रोल करना सिखाएगा, जहाँ पे रूबी भी मान जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ लियाम भी एक सोल्जर की जॉब ले लेता है और जू एंड चार्लेस भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर चार्लेस घूमते घूमते बाहर जाने के लिए सोचता है लेकिन सोल्जर्स उसे बाहर जाने नहीं देते, वो उसे वहीं पे रोक लेते हैं। वहीं क्लांसी उसे बिना टच किए लोगों के थॉट्स को मैनिपुलेट करना सिखाता है, जहाँ धीरे धीरे रूबी भी अच्छे से सीख जाती है। जहाँ पे रूबी काफी ज्यादा सैड थी और क्लांसी उससे पूछता है उसका रीजन और साथ ही ये भी कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज को समझ सकता है और वो उसका हाथ पकड़ता है ताकि वो उसकी मेमोरीज को देख सके। और ये सब लियाम भी वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्लांसी रूबी की मेमोरी में 6 साल पीछे जाता है। फाइनली गाइस हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि आखिर उस रात में हुआ क्या था। सो जब रूबी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपनी मॉम और डैड के रूम में जाती है और जब वो उन्हें टच करती है तो वो गलती से अपनी सारी मेमोरीज उनके अंदर से मिटा देती है और यही कारण था कि उसके मॉम और डैड उसे नेक्स्ट डे पहचानने से इनकार कर रहे थे। फिर जहाँ ये सब कुछ जानकर क्लांसी बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये सब करना उसे नहीं आता था और ये पावर उसके पास भी अभी तक नहीं थी। और फिर वो रूबी से इसके बारे में पूछता है कि वो उसे ये सब कुछ सिखा दे, लेकिन वो कहती है कि वो इन सब के बारे में नहीं जानती, ये सब उसकी बहुत बड़ी गलती थी जिस कारण से आज वो अपने पेरेंट्स से दूर है। फिर रूबी यहाँ से लियाम से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो उससे नाराज था और वो उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और क्लांसी के बीच में क्या चल रहा है। और रूबी भी उसे चिल्लाकर कहती है गुस्से में कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ वही ना कर दूं जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में किया था, और साथ ही तुम एक ऑरेंज नहीं हो, ना ही तुम मुझे समझ सकते हो और ना ही इन सब चीजों में मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जब रूबी वहां से जा रही होती है तो रास्ते में उसे चार्लेस मिलता है जो उसे ये कहता है कि यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही है और यहाँ भी उसे जेल की तरह ही फील हो रहा है क्योंकि ये लोग उसे कहीं भी
बाहर घूमने के लिए नहीं जाने देते और उसे अपने घर की बहुत याद आ रही। काश ऐसा कुछ हो पाता जिससे कि वो अपनी फैमिली वालों से बात कर पाता। फिर वहीं दूसरी तरफ अपने लैपटॉप से क्लांसी किसी को मैसेज के जरिए ये बता रहा था कि यहाँ पे कितने ऑरेंज है और कितने ब्लू है, लेकिन तभी वहाँ पे रूबी आ जाती है जिससे घबरा कर क्लांसी अपना लैपटॉप बंद कर देता है। फिर जहाँ वो उससे उसका लैपटॉप मांगती है ताकि चार्लेस अपने घर वालों से कांटेक्ट कर सके, लेकिन क्लांसी लोगों के दिमाग में जाकर मेमोरी को डिलीट करने वाला तरीका सीखना चाहता था, तो इसलिए वो रूबी के साथ में डील करता है कि अगर वो उसको वो तरीका सिखा देगी तो वो उसके बदले में उसे लैपटॉप दे देगा। फिर चाह रूबी भी इस डील को मान जाती है और फाइनली वो उसे वो तरीका सिखाने की वहाँ पे कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि क्लांसी उसके साथ में था और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो वहाँ से भागकर तुरंत जाती है। फिर चाह रास्ते में उसे लियाम मिल जाता है और वो लियाम को सब कुछ बता देती है, और सच जाने के बाद लियाम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन लेकर क्लांसी को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी रूबी उसे रोक लेती है और ये कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो लोग सू और चार्लेस को लेकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी कैंपस का जनरल आ जाता है जो कि उन सबको रोक लेता है, और क्लांसी भी वहाँ पे आ जाता है जिससे कि सबको ये पता चल जाता है कि क्लांसी कैंपस वालों के साथ में मिला हुआ है जो कि बच्चों की आर्मी को तैयार कर रहा है। फिर क्लांसी वहाँ पे आकर लियाम को अपनी पावर से कंट्रोल करके बहुत ही ज्यादा पिटवाता है, लेकिन तभी रूबी भी अपनी पावर का यूज करके उस जनरल को खुद ही सुसाइड करवा देती है और सू बाकी के कार्ड्स पे इलेक्ट्रिसिटी गिराकर उन सबको मार देती है। फिर क्लांसी उन पे अटैक करने लगता है, लेकिन रूबी बाकी तीनों को वहाँ से भेज देती है और वो खुद ही क्लांसी से लड़ने लग जाती है। वहाँ वो सारे सोल्जर्स को अपने वश में कर लेती है। फिर सारे सोल्जर्स क्लांसी को गन पॉइंट पे रख लेते हैं, लेकिन यहाँ वो फिर से उनको अपने वश में कर लेता है और सबको आपस में ही मरवा देता है। फिर जहाँ रूबी उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ जाता है और क्लांसी रूबी को अपने वश में कर लेता है और साथ में ये कहता है कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे और एक बार में बस तुम्हारे अंदर से अपनी सैड और एंग्री मेमोरीज को हटा दूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग साथ में भी रह सकते हैं। फिर यहाँ वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर ही रहा होता है, वो उसे अपने वश में करने ही वाला था कि तभी रूबी की आँख खुलती है और वो ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पायलट को मैनिपुलेट करके क्लांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर गिरवा देती है, और वहाँ दूसरा हेलीकॉप्टर रूबी पे बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन गाइस चार्लेस वहाँ पे आके इसे बचा लेता है जिसमें वो खुद बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। चार रूबी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तो इसलिए वो डॉक्टर बी के द्वारा दिया हुआ जीपीएस निकालती है और उसे प्रेस कर देती है, जिससे कि थोड़ी ही देर में डॉक्टर बी उसकी अपनी टीम के साथ में वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिर सबको लीक ले जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बी उन्हें बताती है कि चार्लेस को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, साथ ही वो ये भी कहती है कि लियाम को लीक से बाहर जाने देंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। बाकी वो उसका एक और डाउट क्लियर करते हुए कहती है कि हम कोई किलर्स नहीं है, हम बस बच्चों की मदद कर रहे हैं और गवर्नमेंट के कैंपस को और उसके प्रेसिडेंट को हम एक्सपोज करना चाहते हैं। फिर रॉब भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि हमें लियाम को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमें उसके जैसे ताकतवर बच्चों की जरूरत है इस मिशन में। जहाँ रूबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉब को अपने वश में करके उसे बाहर जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर भी कहती है कि लीक को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम ही यहाँ की लीडर बन सकती हो क्योंकि तुम ऑरेंज हो, लेकिन लियाम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। फिर रूबी लियाम से मिलने के लिए जाती है, वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और फाइनली वो उसे किस करती है और उसके अंदर से अपनी धीरे धीरे करके सारी मेमोरीज को मिटा देती है ताकि वो लीक को छोड़कर बाहर जा सके और अच्छे से अपनी लाइफ में रह सके। फिर डॉक्टर ली वहाँ पे खड़ी हुई होती है जहाँ पे लियाम उनसे पूछता है कि वो कहाँ पे है, और वो कहती है कि तुम लीक में हो और अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। फिर जहाँ वो लियाम को एक नया बैग, नई आईडी और कुछ पैसे देती है, और ये सब कुछ देखकर रूबी को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे पूरी तरह से भूल चुका था, बट स्टिल वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्लांसी अपने प्लेन से उतरता है और वो अपनी आर्मी को देखता है, यानी कि दोस्तों उन सभी बच्चों को जिसको कि उसने अपने वश में कर रखा था। वहीं लीग में रूबी को उन सभी बच्चों का लीडर बना दिया जाता है क्योंकि वो इकलौती ऑरेंज थी। सो गाइस यही इस मूवी का दी एंड होता है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेट किसका कर रहे हो, टाक से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में यहाँ पे हमेशा लेकर आती रहती हूँ, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मेरी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।